नमस्ते दोस्तों। दाल में तड़का लगाना हो या सब्जी को स्वादिष्ट बनाना हो, किचन में रखा जीरा आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरता है। लेकिन जीरा सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता दोस्तों, बल्कि इससे कई शारीरिक फायदे भी हैं। इसे सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण मसाला भी कहा जा सकता है। इसका उपयोग भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया के कई हिस्सों में किया जाता है। आइए जानते हैं इससे होने वाले कुछ अन्य फायदे। जिनको अस्थमा या कोई सांस संबंधी समस्या है, उन्हें जीरा डेली खाना चाहिए। अगर आपको अनीमिया की शिकायत है, तो उसके लिए 1 टीस्पून जीरा पानी में उबाल लीजिए और उसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। इसमें होने वाले आयरन से बॉडी में हीमोग्लोबिन सही रहेगा और अनीमिया की शिकायत धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिन्हें पाइल्स हैं, उन्हें भी सुबह खाली पेट कच्चा साबुत जीरा चबा चबा कर खाना चाहिए। फायदा होगा क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो घावों को भरने में काफी फायदेमंद होती हैं। जो लेडीज बेबी को फीड कराती हैं, उनके लिए भी जीरा बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम और आयरन होता है, इसलिए इसे भून कर पाउडर बना लीजिए और 1 बड़ा चम्मच रोज सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ खाइए। जीरे का पाक भी बनाकर रख सकती हैं, जो लैक्टेशन में बहुत सहायक है। जीरा आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी का मुख्य सोर्स है, इसलिए ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी सही रखता है। देसी घी में 1 टीस्पून जीरा भून कर केले के साथ खाइए, नींद अच्छी आएगी। अगर आपको भूलने की प्रॉब्लम है, तब तवे पर 1 टीस्पून जीरा रोस्ट कर लीजिए और इसे चबाकर डेली खाइए, याददाश्त अच्छी रहेगी। 1 टीस्पून कच्चा जीरा चबाकर खाने से डाइजेशन संबंधी सभी समस्याओं से राहत मिलती है। बढ़ते वजन से भी छुटकारा दिलाता है जीरा। इसके लिए 1 टेबलस्पून जीरा 1 ग्लास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दीजिए और उसके बाद सुबह उबाल लीजिए। फिर इसे गरम गरम चाय की तरह पीजिए और जीरा भी चबा लीजिए। 1 महीने में ही काफी वजन कम हो जाएगा। साथ ही डेली एक्सरसाइज करते रहिए और दोपहर को खाना खाने के बाद सोने की बजाय थोड़ा आराम की। किचन में रखे मसालों को जाने बिना दोस्तों उनसे मुंह मत बनाइए। पहले उनके फायदों को जानिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी। स्टे हेल्दी एंड स्टे विद अस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।